कढ़ी का पकौड़ा बना रही हूँ, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, इसे हम पहले फेंट लेंगे। पानी हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे, उसके बाद मैं हाथों से इसे फेंटूँगी। अभी मैंने इसमें मसाले नहीं डाले हैं। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फिटना है, फिट जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा फिट गया है। आप इसे कैसे चेक करेंगे, इसे चेक कर मैं, अरे इसमें मैं पानी इतना थोड़ा पानी लगा है। अब मैं इसे चम्मच से ऐसे ड्रॉप गिराऊंगी, ये पानी के ऊपर तैरने लगा था, मतलब इसका मतलब हमारा ये फिट गया है। तो ये हमारा पकौड़े के लिए बैटर फिट हूँ। अब चलिए मैं, तो ये मैं एक मीडियम साइज का प्याज काट ली हूँ, दो छोटी हरी मिर्च है, आपको जितना तीखा चाहिए वो इस हिसाब से डाल दीजिए। थोड़े से मैं बंच में धनिया काटी हूँ। अब चलिए मैं पकौड़ी के इसमें बैटर में मिक्स करूँगी सर, बहुत ज़रा सा, आधा चम्मच से भी कम है हल्दी। प्याज को मिक्स कर दूँगी, बिना प्याज का भी पकौड़ी बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है, मैं थोड़ा प्याज डाल के बना रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। थोड़ा सा मैं ये लहसुन मिर्च का ये पेस्ट है इसे भी डाल दूँगी, आधा छोटा चम्मच। इन्हें अच्छे से मिक्स करके अब चलिए मैं पकौड़ी इसको बना दूँगी। इस तरह से आप मिक्स कर पकौड़ी बनाने के लिए चाहिए। गैस मैं ऑन कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँ ऑयल, रिफाइंड ऑयल चाहे घी, जो भी आप जिसमें पसंद। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब चलिए हम इसमें पकौड़ी छोड़ेंगे। तो बैटर में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि मैंने नमक डालना भूल गई थी। तो चलिए अब इसको पकौड़ी मैं छोटे छोटे डालूँगी। आपको जैसे प्लेन वाली अगर पकौड़ी बनानी है तो प्लेन वाली बनाइएगा। कढ़ाई में जितनी जगह हो उतनी आप पकौड़ी इसमें छोड़ दीजिएगा। ये थोड़ी सी पक जाएगी, फिर इसे हम हल्के हाथों से इसको उलट पलट कर देंगे जैसे भी। जैसे आप भजिया बनाते हैं या पकौड़ी, इसी तरह से वो भी बनाई जाती है। तो थोड़ी प्याज वाली डिफरेंट लगती है पकौड़ी, बना के डाल के खाएंगे तो गोल्डन कर रही हूँ। गोल्डन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये पकौड़ी हम मैं इस तरह से छान ली हूँ, आप भी इस तरह से छान लीजिएगा। इसके बाद मैं बनाऊंगी ये जो कटोरी है, इस कटोरी के इतना मैं एक कटोरी भर के दही ली थी, इसमें डाल लिया है भगोने में। अब मैं इसमें बेसन डालूंगी, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच के इतना मैंने चार चम्मच के इतना बेसन लिया है। अब मैं इस मठनी के द्वारा इसे अच्छे से मठ लूँगी, बिल्कुल इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। हल्दी डालूँगी, हल्दी करीब एक छोटा आधा चम्मच है, छोटा, इसे भी डाल के अच्छे से ऐसे मठनी की सहायता से इसे मठ लूँगी। ये हमारा हो गया है। चलिए अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लें,
अच्छा सा गर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद हम ओवन डालेंगे। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, अभी इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। दो से तीन चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए जिससे धुएं निकलने लगे। इसके बाद हम तड़का मारेंगे। हमारी कढ़ाई से अच्छे से धुएं निकलने लगे हैं, इसमें हम डाल देंगे सूखे मिर्च। आप भी इस तरह से डाल दीजिएगा, बिल्कुल सूखा मिर्च अच्छे से पक जाना चाहिए। सूखा मिर्च हमारा बिल्कुल अच्छे से पक जाए। इसके बाद मैं डाल दे रही हूँ तीन लहसुन कूटी हुई दो तीन, ये भी अच्छे से पक जाना चाहिए। ये मेरा तड़का है, इसमें आधा चम्मच मेथी दाना है और आधा चम्मच जीरा और एक लौंग है, इसे भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी कड़क पत्ते हैं, अब मैंने इसमें थोड़े से धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी है और एक मिर्च है और दो तीन लहसुन है और अदरक है, इसे पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें मैं छोड़ दूँगी, खुशबू आने तक इसे भूनेंगे। मैं थोड़ी सी हींग भी डाल दे रही हूँ इसे। ये मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसको कढ़ी का ये जो घोल है मैं इसमें छोड़ दे रही हूँ, कढ़ी के घोल को इस तरह से ऐसे लगातार चलाते ही रहिए, नहीं तो इसमें दही है पकने का वो चांस होता है। थोड़ी सी कढ़ाई लग रही है, इसमें और पानी डालें। एक कटोरी की तरह मैंने इसमें और पानी डाल दिया है। ऐसे तब तक चलाते रहिएगा जब तक ये उबाल न आने लगे। उबाल आने तक हम इसे चलाते रहेंगे इस तरह से। हमारी कढ़ी में अब उबाल आ रहा है, इस स्टेज पर हम नमक डाल देंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि हमारी कढ़ी करीबन 10 से 15 मिनट लगेगी पकने में, इसलिए स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। इसे हम थोड़ी सी चला लेंगे और इसे धीमी आंच पर करीबन 10 से 15 मिनट इसे पकने दें इस तरह से। अभी इसमें पकने में 5 मिनट और लगेगा। धीमी आंच पे अच्छे से, धीमी आंच पे जब तक 10 से 15 मिनट पकती नहीं है तो कढ़ी अच्छी। इस तरह अभी हम छोड़ देंगे इसे पकने के लिए। कढ़ी हमारी पक गई है, इसको हम फुल फ्लेम कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो मैं बना के रखी थी पकौड़ी, इसे डाल दूँ। नमक आप चेक कर लीजिएगा एक बार। पकौड़ी डालने के बाद मैं इसे 10 मिनट और पकाऊंगी। कढ़ी थोड़ी पतली ही ठीक लगती है, ज़्यादा ठीक हो जाती तो मज़ा नहीं आता खाने में। इसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी, हो गई है। अब इसे हम साइड रखते हैं, इसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। गरम हो गया है, अब मैं इसमें घी डालूंगी। आप चाहे तो तेल से भी एक चम्मच घी डालूंगी। घी हमारा गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी ये वाली राई। इसके बाद ये छोटा चम्मच एक मिर्ची पाउडर है, कढ़ी में तड़का लगा। धनिया डाल दूंगी,
चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। दोस्तों मैंने ये कढ़ी को सर्व किया है, आपको कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।